नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज और आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। अमन से आमिर बने जबलपुर के एक लड़के की ये कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट सी लगती है, लेकिन अमन के साथ जो हुआ वह रील नहीं बल्कि उसकी रियल लाइफ में घटा है। 9 साल की उम्र में जबलपुर हनुमान ताल थाना क्षेत्र टेढ़ी नीम से लापता हुआ था। थाना हनुमान ताल थाना प्रभारी उमेश गुलानी ने बताया कि आमिर 10 साल बाद 250 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर नागपुर में मिला। नागपुर में आमिर अमन बन चुका था और हिंदू परिवार के साथ उनके बेटे की तरह ही रह रहा था। 18 साल की उम्र होने पर उसके पिता उसका आधार कार्ड बनवाने गए। यहां उन्हें पता लगा कि अपने बेटे की असली पहचान कि वह अमन नहीं बल्कि आमिर है। जबलपुर के हनुमान ताल इलाके में एक मुस्लिम परिवार में जन्मा आमिर बचपन से ही दूसरे बच्चों से कुछ अलग था। 5 साल के होने पर भी वह ठीक से बोल नहीं पाता था, न तो अपने घर का पता जानता था और न ही पिता का नाम बोल सकता था। आमिर को स्कूल भी भेजा गया, लेकिन पढ़ने में उसका मन नहीं लगता था। स्कूल से बंक मारना उसकी आदत बन चुकी थी। एक बार कचरा बीनने वाले बच्चों के साथ चला गया, तब उसे पुलिस ने पकड़ा और पिता उसे थाने से घर लेकर आए। लेकिन मानसिक तौर पर कमज़ोर आमिर के दिमाग में कुछ और ही था और एक दिन वह घर से गायब हो गया। परिजनों ने काफ़ी तलाश किया, पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई, लेकिन आमिर का कहीं कुछ पता न चला। इस घटना को 10 साल हो चुके थे। आमिर के परिजनों की उम्मीद टूट चुकी थी। उन्हें लगने लगा था कि आमिर अब जिंदा भी होगा या नहीं। पुलिस ने लावारिस समझ चाइल्ड हेल्पलाइन को सौंपा। वहीं जबलपुर से लापता हुए आमिर नागपुर स्टेशन पर पुलिस को लावारिस हालत में मिला। तब वह ठीक से बोल भी नहीं पाता था। पुलिस ने उसे बच्चों के लिए काम करने वाली एक संस्था चाइल्ड हेल्पलाइन को सौंप दिया। वहीं चाइल्ड हेल्पलाइन ने उसे एक अनाथालय पहुंचा दिया। साल 2012 तक आमिर लावारिस के तौर पर अनाथालय में रहा। वहीं आमिर की ज़िंदगी में वो बदलाव का पल आया जिसने उसे आमिर से अमन बना दिया। नागपुर के ही रहने वाले हिंदू दामले परिवार ने अनाथालय से पूरी कानूनी कार्रवाई कर आमिर को एडॉप्ट किया और 2015 में अपने घर ले आए। यहां उसे नया नाम मिला अमन। आमिर अब अमन बन चुका था। इलाज कराया और बेटे की तरह रखा। दामले परिवार के मुखिया समर्थ दामले और उसकी पत्नी लक्ष्मी दामले के 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी पहले से ही है। उनके परिवार का अब नया सदस्य था अमन। अमन भी समर्थ को पापा और लक्ष्मी को मम्मी और अपने भाई बहन को दीदी और भैया मानने लगा। दामले परिवार ने इसका इलाज करवाया, जिसके बाद अमन की आवाज़ साफ हो गई और वह ठीक से बोलने भी लगा। आमिर बना अमन 10 साल तक दामले परिवार के साथ ही रहा, लेकिन एक दिन जब उसके पिता अमन का आधार कार्ड बनवाने आधार सेवा केंद्र पहुँचे, तो वहाँ आधार कार्ड बनवाने वाले व्यक्ति ने जब अमन का थम इंस्पिरेशन लिया तो उसका आधार कार्ड पहले से बना हुआ दिखा। यह पहली बार समर्थ दामले को मालूम हुआ कि अमन लावारिस नहीं है, उसके माँ बाप और पूरा परिवार है। वह मध्य प्रदेश के जबलपुर का रहने वाला है और उसका नाम अमन नहीं बल्कि आमिर है और वह एक मुस्लिम परिवार का बेटा है। स्थानीय काउंसलर ने अयूब को बताया उनका बेटा जिंदा है। आमिर के वापस लौटने और उसे जिंदा होने की भी उम्मीद खो चुके अयूब शेख के परिवार को स्थानीय पार्षद के जरिए यह जानकारी मिली कि उनका बेटा जिंदा है और नागपुर में है। वह एक हिंदू परिवार का बेटा बन चुका है। आमिर के सही सलामत होने के खबर सुन उसके परिवार की खुशी का ठिकाना न रहा। परिवार अब अपने आमिर को वापस लाने की कोशिश में जुट गया। नागपुर के दामले परिवार से संपर्क किया गया और आमिर के परिवार के लोग नागपुर जाकर उनसे मिले, लेकिन लंबा वक्त गुजर जाने के बाद अमन पहले तो अपने परिजनों को पहचान ही नहीं पाया। फिर कुछ दिन परिवार के साथ गुजारने के बाद धीरे धीरे उसे सब याद आने लगा, जिसके बाद दोनों परिवारों के बीच अमन को सौंपने की प्रक्रिया शुरू हुई। जबलपुर से बाइक से नागपुर अपनी माँ का बर्थडे मनाने पहुँचा अमन। अपने असली माता पिता के साथ जबलपुर लौट आया आमिर यहाँ फिर से खुशी खुशी रहने लगा। वह अपनी बहन, दोस्तों और मोहल्ले के बच्चों के साथ पहले की तरह ही घुल मिल चुका है। अमन फिर से आमिर बन चुका है, लेकिन वह अपनी ज़िंदगी के बीते 10 सालों को नहीं भुला सकता। यही वजह है कि वह अपनी हिंदू माँ लक्ष्मी दामले का बर्थडे मनाने 250 किलोमीटर दूर ज़्यादा दूर जबलपुर से अपने पिता के साथ नागपुर पहुंचा और धूमधाम से अपनी मां का जन्मदिन मनाया। अमन को अचानक अपने बीच देखकर उसके पिता, भाई, बहन सभी खुश नजर आए। अमन के परिवार और आमिर के परिजनों ने
अपनी खुशी मीडिया कर्मियों के साथ बातचीत में जाहिर भी की है। उन्होंने बताया कि किस तरह से अमन ने हिंदू और मुस्लिम परिवार के बीच एक प्यार का बंधन जोड़ दिया है। अमन ने सिखा दिया कि इंसानियत का रिश्ता धर्म और मजहब के आधार पर बने रिश्तों से कहीं ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा सच्चा है। अब आमिर के दो दो माता पिता हैं, वह काफ़ी खुश है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। कहाँ से आप कहाँ चले गए थे 10 साल पहले? नागपुर। फिर कैसे रखे फैमिली? अच्छा रखे। एक हिंदू फैमिली होने के बाद भी आप एक मुसलमान परिवार? हाँ। फिर अच्छे से खाना पीना? हाँ अच्छे। आप कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आपके माँ बाप से? हाँ अच्छा लग रहा है। वहाँ पे कितने भाई बहन थे? दो, एक बहन एक भाई। जब एक बहन भाई हाँ तब घुमा था। हम लोग बहुत ढूंढने डाने जबलपुर में, आधारताल थाने में भी रिपोर्ट लिखाए और हनुमान ताल में भी लिखाए। स्कूल जाता रहा, वहाँ से यहाँ वहाँ चला जाता रहा, फिर ढूंढ ढांड के लेकर आते रहे, फिर मिल जाता रहा, फिर जो घुमा तो फिर मिला नहीं। मिला हम लोग बहुत परेशान हुए अपने बच्चे। कैसा लग रहा है बेटा वापस मिल गया? अब तो अच्छा लग रहा है। कितने साल बाद मिला आपका बेटा? हमारा बेटा 10 साल बाद मिला है। क्या नाम था आपके बेटे का? मोहम्मद आमिर। आपके बच्चे को हिंदू फैमिली ने पाला, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छे लोग रहे, अच्छी परवरिश करे हमारे बच्चे की। बिल्कुल, उनके एक बेटा एक बेटी थे, फिर भी हमारे बेटे को अपना बेटा बना के रखे। पुलिस ने आपका काफ़ी सहयोग किया? जी, पुलिस ने बहुत सहयोग करा। आपका नाम बता दें? हमारा मेहरुन्निसा। जी, कैसे गायब हो गया था बेटा आपका और फिर कैसे मिला? 10 साल पहले मेरा बच्चा स्कूल गया रहा, दिमाग थोड़ा सा कमज़ोर था उसका। जब देखो जब हम लोग उसको ढूंढते ही रहते रहे, उसके बाद बच्चा हमारा भाग गया। हम बहुत उम्मीद करे, बहुत ढूंढे ढांडे, नहीं मिला। फिर हम हनुमान तालाब थाने आए, इधर पर रिपोर्ट लिखाए। फिर उसके बाद बहुत ढूंढे ढांडे, नहीं मिला मेरे को बच्चा। फिर आज टूट गई हमारी, चारों तरफ ढूंढे नहीं मिला। फिर एक खबर आती नागपुर से मैं कि बच्चा आपका नागपुर में है और नागपुर में बच्चा आपका है और फला फला जगह है बच्चा आपका। हम लोग उनके घर पहुंचे, वो हम लोगों को बरोबर मिले, फ़ोन करके बुलाए कि भैया खाना पीना इधर ही खाना, आपका बच्चा हम लोगों के घर में है। पहुंचे तो खाना पीना सब हुआ उधर पे। बच्चे से पूछे तो बच्चा कहता है अब छोटी सी उम्र में गया रहा, तो बच्चा कहता है हम पहचानते ही नहीं इधर पे किसी को नहीं पहचान रहा। तो हम लोग रुके, खाना पीना खा के आगे लौट के घर आ गए। घर आते हैं तो बच्चे का फ़ोन आता है कि अब्बू हम तुमको पहचान गए थोड़ा थोड़ा सा, समझे ना, हम घर आना चाहते हैं। तो हमने कहा ठीक है बेटा, जैसा बोलो वैसा कर लेंगे अपन, हम तो लेने के लिए पहुँचे ही थे। फिर उधर पे समर डामले भाई हैं जिनके घरों में ये बच्चा रहा, उन लोगों ने लिखा पढ़ा के इसको, 10 साल में पढ़ाए लिखाए, इसका दिमाग का इलाज अच्छा पानी अच्छा करवाए उसका। उसके बाद हमको बुलवा के इधर थाने की हैंड ओवर से मेरे को लिखा पढ़ी करके इधर पे दिए। कैसा लग रहा है बेटा? अब हमको बहुत अच्छा लग रहा है, पूरे परिवार को अच्छा लग रहा है। अब अपन भी चाहते हैं उसको लिखाएंगे पढ़ाएंगे इधर पे। एक हिंदू फैमिली में रहा? और एक हिंदू फैमिली में रहा, उनका नाम है राजा डामरे। बच्चे का नाम? बच्चे का नाम मोहम्मद आमिर, हमारा नाम मोहम्मद अय्यूब। कहाँ रहते हैं आप? हम टेढ़ी नीम में रहते हैं, मोती नगर सातरी वार्ड, पुरानी पानी की टंकी। आधार कार्ड के जरिए? आधार कार्ड उन लोगों ने लिखवाने के लिए करे तो आधार कार्ड में मेरे बच्चे का नाम आया, मेरा नाम आया। उसके थ्रू से गुलाम पार्षद के पास इन लोगों ने फ़ोन करे, जैसा भी करे कि भाई जबलपुर का एक बच्चा है। फिर उन लोगों ने मेहनत करके मेरा नाम पता करे, फिर मेरे पास आए गुलाम पार्षद और आजम भाई हरे, सब मिलवा के फिर बातचीत करके मेरा बच्चा थाने से दिलवाए। पुलिस की इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है, रामजी पांडे, गुलानी साहब, मतलब सभी कोई लगे रहे कि नहीं यार इसका बच्चा बबलू का मिला जाए। बेचारे बहुत मेहनत करके बच्चा दिलवाए हुए, पूरी बातचीत करके, पक्की लिखा पढ़ी करके। हमारा राशन कार्ड में हमारा नाम है, हमारे आधार कार्ड में। भाई चाय की होटल है। दिमाग का मानसिंह रुक रहा, ट्रेन में गया होगा। फिर उन लोगों ने मेरे को जब आधार कार्ड इसका नहीं, कमाल चौक ये वहाँ के मैं ढूंढ के इसको परेशान हो गया, कहीं मिलने के लिए तैयार नहीं। फिर हनुमान ताल थाने में हमने रिपोर्ट डाले, फिर लग रहा होगा तो आधार कार्ड निकलवा तो उसमें मेरा नाम आ रहा।
मेरे बेटे का नाम आ रहा। कैसे गया था स्कूल में, नाम लिखवाया था आपने, बताते हो कोई? हाँ अरे बात है आप लोग। अच्छा महसूस है। कैसे चला गया था ये, कैसे कब से गया? बच्चा हमारा कैसे 10 साल पहले, कैसे पहली स्कूल में नाम। कितने साल से लापता था? देखिए एक बालक जिसका नाम आमिर है, हमें नागपुर से पुलिस द्वारा सूचित किया गया कि आधार कार्ड के माध्यम से ये पता चला है कि कोई आमिर 10 साल पहले आपके यहाँ से गुम हुआ होगा, जो कि उसका आधार कार्ड जब बनवाने के लिए जो परिवार उसको पाल रहा था, तो ये अयूब पिता आया है और आमिर नाम आया है कि आपके यहाँ से गुम हुआ है। हमने पता किया तो ये अयूब के घर हमने खोज करवाया और पुरानी फाइलें निकाली, तो अयूब का लड़का जो कि 10 साल पहले गुम हो गया था, वह मानसिक रूप से कमज़ोर था और स्कूल के लिए निकला था, फिर वापस घर नहीं आया। काफ़ी ढूंढने का प्रयास किया गया, पुलिस ने भी काफ़ी प्रयास किए, लेकिन 10 साल तक कोई पता नहीं चला। और अचानक से जब फ़ोन आया कि उनका लड़का सुरक्षित है और बहुत अच्छे से रह रहा है और आधार कार्ड के माध्यम से उसकी पहचान हो पाई है, तो हमने कोऑर्डिनेट करके और लड़के को बुलवाया और जो लड़के को जो पाल रही थी दामले फैमिली वो भी आई और लड़के का सब वेरीफाई करके और उनको सुपुर्द किया गया, तो बड़ा ही खुश हुआ लड़का और दोनों फैमिली भी काफ़ी खुश हुई। ये इसका नाम अमन रख दिया गया था दामले फैमिली द्वारा और यहाँ पे उसका नाम आमिर था, तो आमिर से अमन और अमन से आमिर तक की ये कहानी थी कि 10 साल में वह वापस अपने असल माँ बाप को मिल गया और बड़ा खुश है। और उसका ये कहना है कि मेरे लिए दोनों ही माँ बाप बराबर से रहेंगे और जिसको भी ज़रूरत पड़ेगी मैं उसकी सेवा के लिए पहुँच जाऊँगा। ये बड़ा ही हर्ष का विषय रहा कि एक हिंदू और मुसलमान की एकता को यहाँ पे बल मिला है और दोनों ही फैमिली जो है एक फैमिली बन के आगे रहेंगे, ऐसा उन्होंने दृढ़ किया है। अयूब जो उसका पिता है यहाँ टेढ़ी नीम का निवासी है और उनका बेटा जो है नागपुर में मिला है, जो कि एक दामले फैमिली है, समर्थ दामले, बहुत अच्छे से उन्होंने अभी तक परवरिश की है, तो इस तरीके से दोनों फैमिली का लाडला बन के और वो आज रह रहा है। नहीं नहीं जो है बच्चा चूँकि मानसिक रूप से थोड़ा सा कमज़ोर था और अब बल्कि जो नई फैमिली उसको मिली दामले फैमिली ने उसका मानसिक इलाज भी करवाया और इतना स्वस्थ हो गया, इतना स्मार्ट लड़का हो गया है वो कि दोनों की आंखों का तारा बनके वो आज रह रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। ये बात सामने आ रही है कि जब उसका एडमिशन होने जा रहा था तब ये बात सामने आई आधार कार्ड से। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि 10 साल पहले गुमा था और इनके माँ बाप ने उम्मीद छोड़ दी थी कि हमारा बच्चा सुरक्षित भी है या नहीं, लेकिन जब अचानक से ये उनको सूचना मिली कि उसका आधार कार्ड जब बन रहा था तो बायोमेट्रिक पहचान से उसकी जो पुरानी पहचान प्राप्त हुई कि इसका रजिस्ट्रेशन जबलपुर में हुआ है और उसके पिताजी अयूब हैं, टेढ़ीनी में हनुमान ताल में रहते हैं, उससे ये बच्चा मिल पाया है और बहुत ही धन्यवाद कहना चाहिए ये प्रणाली की कि आज एक खोया हुआ 10 साल बाद बच्चा इनको मिला है। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।